हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉटनी स्टडी टिप साइंस। टुडे टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन इंटरेक्शन। ये डीएनए बाइंडिंग मोटिफ है, ये प्रोटीन है और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। यहाँ पे आगे जो है हम हेलिक्स, टर्न हेलिक्स, मोटिफ और टर्न के साथ हम हेलिक्स लूप, हेलिक्स जिंग फिंगर और ल्यूसीन जिपर के बारे में पढ़ेंगे। हेलिक्स टर्न हेलिक्स, ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में हमें देखने को मिलता है। ये फर्स्ट डीएनए मोटिफ है, ये जो है दो अल्फा हेलिक्स यूनिट से मिलके बना है और जो दो अल्फा हेलिक्स यूनिट हैं ये अलग होती हैं सेपरेटेड बाय अ बीटा टर्न, इसे कहते हैं बीटा टर्न। सेकंड हेलिक्स को हम जो है रिकॉग्नाइज हेलिक्स बोलते हैं, ये सी पे सी ओ एच और फर्स्ट पे एन एच टू ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें होम्योडोमेन, होम्योडोमेन जो है ये 60 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है और ये इसका मोलिकुलर वेट जो है 180 बेस पेयर, इसे हम कहते हैं होम्योबॉक्स। इसमें जो है फोर हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं और सेकंड एंड थर्ड सेपरेट होते हैं बीटा टर्न के थ्रू। सेकंड एंड थर्ड हेलिक्स है सेपरेट हो रहा है बीटा टर्न के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास हेलिक्स लूप हेलिक्स, ये जो है सिमिलर रहता है हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ के। प्रोटीन डाइमराइजेशन में अपना रोल प्ले करता है और डीएनए बाइंडिंग में। यहाँ पे अल्फा हेलिक्स जो है 15 से 16 रेजिड्यू देखने को मिलते हैं, लूप में वेरिएशन देखने को मिलती है 12 to 28 अमाइनो एसिड। टू अल्फा हेलिक्स यूनिट आर प्रेजेंट, ये है टर्न लूप। नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूसीन जिपर, ल्यूसीन जिपर जो है डीएनए बाइंडिंग एंड पॉलीमराइजेशन, डीएनए बाइंडिंग एंड डाइमराइजेशन में अपना रोल प्ले करता है। इसके जो एंड टर्मिनल है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और सी टर्मिनल पे हमें जो है 30 to 40 अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं। एवरी पोजिशन, सेवन्थ पोजिशन पे हमें ल्यूसीन देखने को मिलता है। इसका जो एंड टर्मिनल है इसे हम डीएनए बाइंडिंग डोमेन कहते हैं और सी टर्मिनल डाइमराइजेशन डोमेन, यहाँ से रीड कर सकते हो। जिंक फिंगर जो है हमें प्रो में नहीं, यू में, यू कैरियोट में ही देखने को मिलता है। ये सी टू एच जिंक फिंगर अरेंजमेंट रहती है यहाँ पे। फर्स्ट डिस्कवर हुए थे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में। ये कुछ जो